الله وبركاته. قال النبي नबी الله عليه व सब्र ज़िया आज के दर्स में इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त में एक बहुत अहम बात वो ये कि इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत काम आने वाली या इंसान की ज़िंदगी में एक रोशनी पैदा करने वाली चीज़ जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे जो मसाइल में हल है आज के दर्श में इंशाल्लाह उसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखनी है और वो है सब्र करना जिंदगी में एक इंसान बहुत जल्दबाजी में फैसला करता है बहुत सारे मसलों में निकाह का मसला हो या घर में जो है कोई और मसला होता है कोई लड़ाई झगड़ा होता है कुछ थोड़ा बहुत आपस में बहस होती है फौरन जो है आदमी किसी ना किसी फैसले पर उतर आता है जल्दबाजी में फैसला करता है और जल्दबाजी में फ़ैसला करने का जो नुकसान होता है वो आगे इंसान भुगतता है या बाद में उसको बहुत पछतावा होता है बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदगी होती है जो फैसला इंसान जल्दबाजी में करता है अल्लाह के नबी वसल्लम तो ने हमको एक तालीम दी और एक हदीस का सही मुस्लिम की एक लंबी हदीस का एक छोटा टुकड़ा आपने फरमाया वह सब्र जिया सब्र रोशनी है रोशनी का काम कहाँ लगता है जहाँ अंधेरा हो जब रोशनी होती है तो चीजें साफ दिखाई देती हैं और जब अंधेरा होता है तो चीजें या तो साफ दिखाई नहीं देती हैं या तो दिखाई देती हैं लेकिन धुधला और नाकिस तौर पे दिखाई देती है या तो मुकम्मल नहीं दिखाई देती है या तो जो है अधूरी दिखाई देती है अधेरे में लेकिन उजाले में चीजें साफ दिखाई देती ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं बहुत सारे गम और फिक्र और बहुत सारे टेंशन उलझने जिसका इंसान की आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है और वो फैसला नहीं कर पाता करें क्या कुछ समझ नहीं पाता है। कुछ सुझाई नहीं देता उसको कभी कभी इतने गम होते हैं इतने मसाइल होते हैं उसके सामने एक मसला नहीं ख़त्म हुआ दूसरा मसला शुरू हो गया बहुत सारे मसाइल होते हैं और जिसकी वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है तो ये जिंदगी में मसाइल का अंधेरा जिंदगी में बहुत सारे उलझनों का बहुत सारे गमों का या बहुत सारे मसाइल उसके सामने घेर लेते हैं जिसकी वजह से वो अंधेरे में उसकी आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं देता फैसला क्या करें ऐसे जिंदगी के मरहले में या ऐसे मामल में एक इंसान के लिए अगर रोशनी का कोई काम करने वाली चीज है तो वो सब्र है वह जिया नबी फरमाते हैं सब्र रोशनी है, है। आदमी जल्दबाजी फैसला ना करे ठहरे रुके जब सब्र करता है बंदा तो कुछ दिनों में वो चीजें उसके सामने साफ हो जाती है, जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला बाद में इंसान पछताता है लेकिन जब आदमी थोड़ा रुकता है थोड़ा वेट करता है कोई मामला आया थोड़ा सब्र करता है थोड़ा सब्र करता है सब्र करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो चीजें उसके सामने साफ तौर पे उजाले की तरह जो है सामने खुल के जाहिर हो जाती हैं कि हाँ ये सही है ये गलत है और आदमी सोचता है कि पहले मैंने फैसला नहीं किया बहुत अच्छा किया आज जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं मर्द भी औरतें भी बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं कितने सारे मामलात में थोड़े बहुत झगड़े हुए कितनी औरतें खुला पे उतर आती हैं कितने औरतें तलाक पे उतर आती हैं हमको तलाक दो और रिश्ते ख़त्म कर लेती हैं बहुत जल्दबाजी में सब्र नहीं करते सब्र इंसान की ज़िंदगी में रोशनी है थोड़ा वेट करना चाहिए इंतज़ार करना चाहिए सब्र में बाद में कुछ दिनों के बाद चीज़ें साफ़ हो जाती हैं और वो सब्र उसकी ज़िंदगी में रोशनी का काम करता है और बाद में साफ सही हो जाता है तो ये अल्लाह के नबी वसल्लम की जो तालीम है कि सब्र रोशनी है तो रोशनी जहाँ होगी वहाँ उजाला होगा वहाँ चीजें साफ दिखाई देंगी आदमी खड्डे में नहीं जाएगा हिलाकत से बचेगा इसलिए जिंदगी के मसाइल में सब्र करें इंतजार करें वेट करें जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें इन ये सब्र जो नबी ने फरमाया रोशनी है एक दिन आता है सब्र करने के बाद कुछ दिनों के बाद वो रोशनी उसकी ज़िंदगी में आती है और उस रोशनी की वजह से सब चीज़ें उसके सामने साफ़ हो जाती हैं और उसको एक अच्छी रहनुमाई मिलती है तो ये बहुत अहम चीज़ें अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाने की तोफ़ी दे मर्द हों औरत हों हमें अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करने का सब्र करने का और ज़िंदगी के मसाइल में जो है एक तरह से वेट करना और सब्र करना इंतज़ार करना ये हमारे अंदर जो अल्लाह ताला पैजा फरमाए आमीन तकबलेबी अल्लम वरह वक़ा ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज शलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के केसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान